नोहर जेल निवासी रामपाल जी महाराज के सत्संग का आयोजन, कैदियों ने लिया नाम उपदेश। नोहर स्थानीय कारागार में शनिवार को हरियाणा के भूचर्चित संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने प्रोजेक्टर के माध्यम से नोहर उप कारागार में सत्संग आयोजन किया, जिसमें कैदियों और जेल प्रशासन को संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनाया गया। वही सत्संग के दौरान संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित धार्मिक पुस्तकें ज्ञान गंगा व भक्ति से भगवान तक बांटी गयी। संत रामपाल जी महाराज के सत्संग से प्रभावित होकर नोहर उप कारागार में 5 कैदियों ने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली व भविष्य में किसी प्रकार की बुराई न करने व सतभक्ति करने का संकल्प लिया। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने बताया कि संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों का आयोजन देश भर में इसी तरह प्रोजेक्टर के माध्यम से किया जाता है। वही जेल प्रशासन ने संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों का आभार प्रकट किया। वही जेलर सुमेर सिंह गुज्जर ने कहा कि ऐसे आयोजन बार बार होने चाहिए ताकि कैदियों को भी मानवता का पाठ पढ़ाया जा सके, ताकि सभी कैदी बुराइयों से रहित होकर अच्छे नागरिक बन सके। आपको बता दें कि संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों द्वारा देश भर की विभिन्न जेलों में ऐसे सत्संगों का आयोजन किया जाता है, जिससे प्रभावित होकर बड़ी भारी संख्या में कैदियों ने भी संत रामपाल जी महाराज जी से सतभक्ति लेकर नशा, दहेज, रिश्वत जैसी बुराइयों से त्याग किया है। वही पत्रकारों से बातचीत में हनुमानगढ़ से आए संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी पवन दास ने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशों से विश्व कल्याण मिशन के तहत देश भर की जेलों में भी सत्संग आयोजन करवाए जा रहे हैं। जब पत्रकारों ने संत रामपाल जी महाराज पर लगे हुए मुकदमों के बारे में अनुयायियों से पूछा तो अनुयायियों ने सभी मुकदमों को सिरे से खारिज करते हुए झूठा बताया और बताया कि हरियाणा प्रशासन पिछले 3 सालों में अभी तक भी किसी भी मुकदमे में संत रामपाल जी महाराज को दोषी साबित नहीं कर पाया है। यह कहते हुए अनुयायियों ने कहा कि हरियाणा सरकार षड्यंत्र के तहत संत रामपाल जी महाराज को जेल में रखे हुए है। वहीं संत रामपाल जी महाराज जी के एक अन्य अनुयायी राजू दास ने कहा कि संत रामपाल जी महाराज जल्दी बाइज्जत बड़ी होकर हमारे बीच होंगे। इस मौके पर राजू दास, पवन दास, रणधीर दास, उदा दास, अरविंद दास, जैन दास और भगवती सरिता सहित अन्य संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी मौजूद रहे।